Hello guys, welcome to my new another vlog. So guys, it's my vlog about Robert's Cave, which is लोकेटेड इन उत्तराखंड देहरादून तो इस देहरादून के बहुत सारे लोगों को तो इस बारे में इस जगह के बारे में बखूबी पता होगा है ना लेकिन जो देहरादून के नहीं है या फिर जो देहरादून के होके भी यहाँ नहीं गए हैं तो उनको मैं बता दूँ ये देहरादून में ही स्थित है बहुत ही अच्छा ये जगह है बहुत ही प्यारी जगह है मैं यहाँ गई तो मुझे बहुत आनंद आया और गर्मियों में जब आप यहाँ जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है बल्कि ये तो जो यहाँ की जो गुफा है जो केव है उसमें भी पानी पानी पानी, मैं पानी पानी हो गई वाला सीन यहाँ पे हुआ क्योंकि यहाँ पे पानी ही पानी था अभी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये जो जगह है बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छी है यहाँ पे एकदम शुद्ध वातावरण है और जो गुफा है उसमें पानी पानी है हमारे पैर एकदम ठंडे मेरे हो गए थे और यहाँ पे मंदिर था तो मैंने थोड़े मंदिर के भी दर्शन कर लिए थोड़ा यहाँ पे माथा टेक लिया और थोड़ा आगे बढ़ी तो मैं यहाँ पे शुरू में ही देख के थोड़ा चौक गई यहाँ पे शुरू में ही इतनी भीड़ है तो आगे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी अभी देखो यहाँ पे लोग अपना जो है शूज वूज उतार के यहाँ पे अपना पैंट वेंट ऊपर करके आगे बढ़ते हैं और इस केव में आगे जाते हैं जबकि आगे जाते हैं तो आगे बहुत ही ज्यादा लंबी जो एक केव है बहुत ही ज्यादा लंबी है लास्ट में कोई मिलता ही नहीं है और लड़कियां जो है आधे ही रास्ते में रुक जाती है लेकिन मैं आधे रास्ते में रुकने वाली नहीं हूं मैं तो पूरा लास्ट तक जाती हूं कि कहां तक है ये केव है ना तो अभी आप देखते जाइए जैसे कि आप ये देख रहे हैं पानी पानी एकदम ये ना होता है ना पैर तो हमारे एकदम ठंडे हो जाते हैं पैर के साथ साथ दिमाग भी एकदम वॉश हो जाता है मतलब दिमाग भी एकदम फ्री हो जाता है आप जहां से भी आओगे थक हार के यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे बड़ा ही रिलैक्स मिलने वाला है खास करके तो गर्मियों में यहाँ पे ज्यादा मजा आएगा ठंड में तो खैर यहाँ पे कोई आता नहीं है।, है ना तो आप जब भी यहाँ आओगे आपको बड़ा ही मजा आएगा ठंड में तो आपके पैर सुन्न पड़ जाएंगे है ना क्योंकि यहाँ पे ठंड भी काफी पड़ती है देहरादून उत्तराखंड में तो अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है आगे आगे और भी ज्यादा भीड़ होने वाली है लेकिन जो गर्ल्स होती है वो आगे तक ज़्यादा नहीं जाती है क्योंकि उनके पास बच्चे होते हैं ये होता है सामान होता है आधी लड़कियाँ तो यहाँ पे चल ही नहीं पाती है होता है ना आधी वो इत वाली लड़किया होती है इप्स आओ ये वो <laughs> ऐसे ऐसे आधी लड़कियाँ करती है आधे तो यहाँ पे कपल्स भी जो आए थे वो एकदम मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे का मैं सोची थी काश मेरे साथ भी कोई होता जो मुझे मेरा हाथ पकड़ के ले के जाता बट कोई बात नहीं मैं इतनी दमदार हूँ कि मैं खुद आगे चली जाऊं बिकॉज आई एम पहाड़न है ना तो मैं आगे आगे बढ़ती जाती हूँ बढ़ती जाती हूँ मजा आता है काफी <clears throat> अभी आप आगे देखोगे यहाँ पे ना मतलब ये पानी जो आ रहा था ये भी साफ ही था बट होता है ना Uh, इस पानी में सभी के पैर थे तो पीने लायक नहीं था लेकिन जो ऊपर से पानी आ रहा था वो पीने लायक था मैं तो वही पानी पीते पीते आगे जा रही थी मजे मस्ती करते करते जा रही थी और जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो अभी आप आगे जैसे जैसे व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये है और ये देखो ये थी एक लास्ट जगह जहां तक लड़कियां आ रही थी है ना ये देखो कितना भयानक सी जगह है बहुत एडवेंचर वाली जगह है लेकिन मैं यहाँ तक पहुंच गई थी यहाँ तक तो खैर लड़की आई थी लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पा रही थी लेकिन मुझे भी मना किया गया था कि मत जाओ मत जाओ तुम आगे नहीं जा पाओगी लेकिन फिर से वही एम पहाड़न क्योंकि पहाड़ी लड़कियां लड़के जो भी होते हैं कहीं भी टाप जाते हैं कोई भी चढ़ जाते हैं है ना तो मैं भी ये मुश्किल से मुश्किल रास्ता चढ़ते चढ़ते पहुंच ही गई ये यहाँ पे बड़ी भयानक सी गुफा थी जिसमें एकदम डर लग रहा था बट कोई बात नहीं फोन था साथ में तो टॉर्च जला जला के जाते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना सांप वाप का डर था क्योंकि यहाँ पे बड़ी अजीब सी ही गुफा थी आने में भी बड़ा कष्ट हो रहा था लोगों को मुझे भी कहीं डर लग रहा था बस पैर वैर ना फिसल जाए बस बाकी तो कुछ नहीं देखो आपको दिख ही रहा होगा बहुत कम संख्या में यहाँ पे लोग है अभी ये है लास्ट ये लास्ट है है ना क्योंकि बीच में तो पानी काफी ज्यादा ऊपर तक हो गया था तो फोन मैंने रख दिया था कहीं गिर विर ना जाए इसलिए है ना ये लास्ट है इसका लास्ट में जाके यहाँ पे ये गिने चुने लोग हमें मिले और अभी वापस आते आते मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा जो ये गुफा है कि, कि कितनी ज्यादा प्यारी थी बहुत ज्यादा क्योंकि होता है ना एडवेंचर वाला बहुत मुझे मजा आता है एडवेंचर करने में ये देखो अभी यहां से मैं चढ़ते चढ़ते आ रही थी बड़ा मजा आ रहा था बट कोई बात नहीं अब मैं यहां से उतरती हूँ <laughs> मुझे काफी ज्यादा डर लगता है यहाँ पे लास्ट में आते आते तो मैं फिसल 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 भी क्या बस ऐसी मैं सोचती हूँ किधर से उतरू इधर से या उधर से <laughs> एकदम से लास्ट में थोड़ा ना गिर जाती हूँ <laughs> मुझे यहाँ पे पहुंच के मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी जो डिस्कवरी में आता है ना वो एक लड़का वैसे का आ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो बोलता है यहां से आगे जाना मुझे खतरों से खाली नहीं लग रहा है अब मुझे लगता है रात भर मुझे यही खाना पीना पड़ेगा वैसी वाली मुझे फीलिंग आ रही थी <laughs> लेकिन मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा था है ना तो चलती रही चलती रही और मुझे तो ये लग रहा था कि गुफा ये खत्म ही ना हो आगे बढ़ती जाए बढ़ती जाए यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था मन कर रहा था यहीं टिक जाऊं यहीं रुक जाऊं आज के दिन <coughs> बट क्या करें घर जाना भी ज़रूरी था फिर बस अब घर के तरफ को हम विराजमान हो जाते हैं अभी यहाँ पे लड़कियाँ दिखती नहीं लड़के लड़के चारों तरफ दिखते हैं और मुझे डर लगने लगता है कहीं ये मुझे मतलब होता है ना डर लगता है ये थोड़ा बहुत फिर मैं बट कोई बात नहीं लड़के अच्छे थे किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला भी नहीं कुछ किया भी नहीं हाँ रास्ता वास्ता पूछते पूछते सभी लोग जा रहे थे लेकिन किसी ने कुछ ऐसा वैसा कुछ किया नहीं <laughs> मतलब मुझे सेफ फील हो रहा था बात यह फिर उसके बाद बस फिर मैं घर को चली जाती हूँ बात खत्म और ब्लॉग यहीं समाप्त और हाँ इतना ब्लॉग दिखाया है मस्ती मजे करते करते तुम्हारे को इतना अच्छे से ब्लॉग को समाप्त किया है और इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस दिखाई है तो इसको ऐसी मत छोड़ना इसको लाइक करना सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप नए हो तो और कमेंट भी करना बताना कैसा लगा ब्लॉग ओके बाय